अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला ख़ान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेमन। शेरशाह की नाबालिग हिंदू बच्ची रमीला सोनू तेजा महेश्वरी की सिटी कोर्ट वेस्ट 9 में पेशी हुई। रमीला ने वालदेन के साथ जाने का बयान दिया। उसके बाद जज साहब ने रमीला सोनू को वालदेन के हवाले करने का ऑर्डर जारी किया। इस मौके पर केस के OIO ने FIR का हतमी चालान पेश करते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन सेक्शन 3/4 लगाने की इस्तदा की। इस मौके पर वकील दिलीप कुमार लडवानी, वकील लियाकत अली, वकील राजेश कुमार, वकील जावेद चन्ना, रमीला सोनू के वालिद तेजा महेश्वरी की तरफ से पेश हुई। महेश्वरी एक्शन कमेटी के रहनुमा कामरेड कृष्ण लाल, मुकेश देवरिया, नजमा महेश्वरी, मंगल महेश्वरी और विराग मिल पेश हुए। वकला और महेश्वरी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं। यार ये तो बड़ी हमारी जीत है हमारी कम्युनिटी की, क्योंकि तकरीबन 13-14 साल की बच्ची थी। ये अच्छी बात है, रिकवर हो गई। और जज साहब की मेहरबानी जो हमारे खिलाफ बयान दिए, लड़की हमें वापसी दिलवाई। जी सबसे पहले तो आज ये रमीला तेजा का केस लगा हुआ था 394/2022 पाटालू मिल थाना। तो उसमें जो तेजा साहब के और इसमें जो तमाम तर और दोस्त थे, हम तो वकील थे, उनकी बहुत बड़ी मेहनत है, हमारी भी मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ साहब और साहब की मेहनत है प्लस की, ये बहुत बड़ी कामयाबी हमने मुझसे बिल्कुल अदालत से इंसाफ की उम्मीद हुई। छोकरी बयान देनी है कि हम पाँच माइटन से वन चाहें थी, अदालत थोड़ी देर में ऑर्डर करी। इन सिलसिले में आऊँ दिसा तो कानून जो है चाइल्ड सिंध मरी सिंध जो है वो असा लगे वो हेल्पफुल साबित थो है। अब मैं कहता हूँ कि अदालत हक में फैसला करेगी, जो इनके जो भी जायज बात है उस पर फैसला देगी। ये नहीं है, उन्होंने कानून के लिहाज से हर तरह से देखभाल के फैसला देना है और वो देगी। ये जो मसला था एक हिंदू लड़की का जो कि बच्ची थी 13-14 साल की, जिसके लिए मेडिकल बोर्ड बिठाया गया और बहुत सारी चीज़ें की गई, उस लड़की को ऐसे रखा गया कि वो जो है ना अपना मौकफ मोड़ ले, लेकिन इस बच्ची का जो है वो अपने मौकफ पे आ गई और मेडिकल और सारी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे वो हमारी फेवर में आ गए। अब जब बच्ची ने वो सारा देखा है, अब बच्ची भी जो है अपने बाप के फेवर में बयान दे दिया है। हमारे जो सोशल कम्युनिटी के हमारे जो सिंध में रहने वाले धरती के असल वारिस हैं, वो हमारी बच्ची जो नाबालिग बच्ची रमीला को उसमें बच्ची ने जो बयान दिया है वो ये कि मैं अपने वालिद के साथ जाना चाहती हूँ। ये हमारी टीम का कुशल ग्राहक है, बच्ची ने हमारे फेवर में बयान दिया हुआ है कोर्ट के अंदर जज साहब के पास। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है, मेरा सीना चौड़ा हो गया है और मैं ये इन लोगों का बिल्कुल गुजार हूँ मैं कि हमारे फेवर में ये हिसाब किताब बातें आई है भाई और चलती रहेगी। देखिए जहाँ उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती वहाँ इंसाफ होना एक बड़ी बात है। हमें अदालत पर भरोसा था लेकिन यहाँ मुसलसल हमारे साथ इतनी नाइंसाफियाँ की जाती हैं कि कहीं ना कहीं हमारा वो भरोसा डगमगा जाता है। लेकिन ये है कि आज हमारे साथ इंसाफ हुआ है, ये बड़ी बात है। हम अदालत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के हक में फैसला दिया है। समाचार आज बेहद खुशी हुई मुझे, आज जज साहब ने फैसला दिया कि बच्ची जो है अपने वालिद साहब के साथ जाएगी। हमारी बच्ची आज हमारे साथ दादा की कृपा से हमारे साथ ही हम लेके जाएंगे और आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे वकील साहबान का, महेश्वरी कमेटी हमारी जो उनका, जिनकी अशद मेहनत के बाद। और आज बच्ची ने हमारा बयान दिया कि मैं अपने पापा के साथ जाऊंगी और मैं अपने घर में रहूंगी। हमारी बहुत बड़ी फतेह हुई है, ये हमारी नहीं सबकी पेशरी बरदरी की है, इस सबकी मेहनत थी और ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों की, वकील साहब दिल्ली साहब और लियाकत साहब की मेहनत थी जिसके हम फ़ायदा उठाया है। वो बच्ची हमारी हो गई है, आज बच्ची बयान दे रही है कि बच्ची अपने वालिद के पास आ रही है।